वेलकम बैक टू माय एकेडमी, बैक बेंचर्स एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक, दैट इज फाइनाइट एंड इनफिनाइट ग्राफ्स। हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ्स के बारे में, उनकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अबाउट फाइनाइट एंड इनफिनाइट ग्राफ्स। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने बोला ग्राफ क्या होता है। हमारा ग्राफ जो है सिंपली, इसमें क्या है, इसको हम लिखते हैं जी इज इक्वल टू वी कामा ई। वायर जो हमारा वी होगा, ये क्या होगा, वर्टिसेस वी वन वी टू, कुछ भी नंबर ऑफ वर्टिसेस वी एन तक जाएंगी। और हमारा ई जो होता है, दे आर कॉल्ड एज द एज, दैट्स ई वन ई टू एंड सो ऑन ई एन तक। तो ये है हमारे सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनाइट ग्राफ और इनफिनाइट ग्राफ होता क्या है। तो अगर हम बात करेंगे अपने फाइनाइट ग्राफ की, तो सिंपल सिंपल अगर इंग्लिश के लैंग्वेज में हम देखेंगे, फाइनाइट का मतलब क्या होता है। फाइनाइट का मतलब है कि जो कि कहीं पे रुकेगा, जहां पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ चीजें होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्टिकुलर हम देखते हैं वर्टेक्स और देखते हैं एड्स। तो हमारा वो ग्राफ जिस ग्राफ में पर्टिकुलर नंबर ऑफ एड्स एंड पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगी, उस ग्राफ को हम कौन सा ग्राफ बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द फाइनाइट ग्राफ। तो ठीक है, अब फाइनाइट ग्राफ में फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके बताते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास चार वर्टेक्सेस हैं, वी वन वी टू वी थ्री एंड वी फोर। और ये जो हमारी हैं, दे आर कॉल्ड एज द एड्स, दैट इज ई वन ई टू ई थ्री ई फोर। इस ग्राफ की अगर हम बात करेंगे, इस ग्राफ में हमारे वर्टिसेस कितने हैं, फोर, दैट इज वन टू थ्री एंड फोर। हम लिखेंगे वर्टेक्स कितने हैं, फोर, एंड मैं वर्टेक्स को रिप्रेजेंट वी से कर रही हूँ। तो अब हमारी एड्स कितनी है, दैट्स वन टू थ्री फोर एंड दिस इज ई फाइव, दैट मीन्स पांच एड्स हैं। तो ठीक है, एड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे फाइव से। तो ये ग्राफ जो है ये कहलाएगा हमारा फाइनाइट ग्राफ, क्योंकि इसमें जो वर्टिसेस हैं वो भी फाइनाइट नंबर की हैं और जो एड्स हैं ये भी फाइनाइट, हमें मालूम है कि कितनी वर्टिसेस और कितनी एड्स हैं। इसी की हम एक और एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेकेंड एक तरह का ग्राफ है, सपोज मान लीजिए ये हमारा एक और ग्राफ है। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या है, यहाँ पे हमारी वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस को हम हमेशा पॉइंट से डिनोट करते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दैट इज वी वन वी टू वी थ्री एंड वी फोर। और मान लीजिए ये हमारी यहाँ पे एक एज है। ठीक है, तो इसमें भी वन टू थ्री फोर फाइव एड्स है हमारी, वर्टेक्स हमारे पास चार वर्टेक्स हैं। तो एड्स जरूरी नहीं है फाइव या फोर, कोई भी एड्स हो सकती हैं। सपोज यहाँ से एक और एज लेते हैं, इसमें मान लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड इसमें नंबर ऑफ एड्स जो है वो सिक्स हैं और जो हमारी वर्टिसेस हैं वो चार वर्टिसेस हैं। ठीक है, वर्टेक्सेस हैं, तो इसका मतलब ये ग्राफ भी फाइनाइट है, क्योंकि हमें मालूम है इसमें कितने वर्टेक्स हैं और कितनी एड्स हैं। तो सेकेंड हम बात करेंगे इनफिनाइट की। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम नॉर्मली इनफिनाइट को हम करेंगे बोलेंगे डिफाइन करेंगे, तो हमें मालूम है इनफिनिटी का मतलब होता है जिसकी कोई हद ना हो, जिसके बारे में हमें मालूम ना हो। तो सेम इज द केस इन सेम इज द केस ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ में भी सेम केस हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास एक ग्राफ है, ये मैंने कोई ग्राफ बना दिया, ये हमारे पास इसकी वर्टेक्सेस हैं और यहाँ पे एजेस हैं। लेकिन ये ग्राफ जो है ये फाइनाइट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एड्स और वर्टिसेस पता नहीं है। तो ये वाला ग्राफ क्या कहलाएगा, इनफिनाइट ग्राफ। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गई होगी फाइनाइट और इनफिनाइट की। तो सपोज ये है दूसरे तरह का ग्राफ, ओके, यहाँ पे भी सपोज मैं यहाँ पे एड्स बना रही हूँ एंड ये अपना ग्राफ बना रही हूं मैं यहाँ पे, तो ये आगे बढ़ता जा रहा है ग्राफ। यहाँ पे हमारी इसकी कुछ वर्टेक्सेस हैं और ये एज से आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे नहीं मालूम कहाँ तक बढ़ रहा है। तो ये वाला ग्राफ कहलाएगा इनफिनाइट ग्राफ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अगले सेशन में।